घोसी की सम्मानित जनता ने बीजेपी के घमंड के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मोहर लगाई है। तो कहाँ है राजभर जी? आप लोग भी खोज रहे हैं। अभी जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो मुझे लगता है सरकार भी खोजेगी। देखिए, राजनीति में कभी ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए कि फिर आपको छिपना पड़े। घोसी का उपचुनाव जो लोकसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने लोग जश्न मना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जश्न जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं घोसी का जो चुनाव है उसको लेकर पूरी जो है वो जश्न मनाया जा रहा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC और मुख्य प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी हैं। साजन जी, जिस तरह से घोसी का जो उपचुनाव है उसको बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी और तमाम पार्टी, आपकी भी पार्टी है, उसको सेमीफाइनल मान रहा था आने वाले लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से नतीजे आए हैं, क्या लगता है आपको? अब मुझे लगता है घोसी के उपचुनाव का जो परिणाम है ये 2024 के लोकसभा की वानगी है, और मुझे भरोसा है कि जैसा प्यार सम्मान समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद घोसी की जनता ने दिया है वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता लोकसभा में देगी। घोसी की सम्मानित जनता ने बीजेपी के घमंड के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मोहर लगाई है। अब बीजेपी को समझ लेना चाहिए, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए लेकिन अब देश की जनता उनके बुरे दिन जरूर लाएगी। लेकिन राजभर के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो कहा था कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सफाई भेज देंगे। तो कहाँ है राजभर जी? आप लोग भी खोज रहे हैं। अभी जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो मुझे लगता है सरकार भी खोजेगी। तो आपकी क्या है, उनका मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम हम आएगा या आप लोग घोसी के उपचुनाव में उनका नाम साफ करने में लगे? अब ये सरकार जाने। हम लोग तो सम्मान दे रहे थे, अब वो वहाँ गए हैं, देखो क्या मिलता है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि घोसी का जो उपचुनाव है वो वहाँ पे, क्या राजभर ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, जो बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या बड़बोलापन कहीं ना कहीं ये जो उनकी हार हो रही है वो उसका सबब बन रहा है? देखिए, राजनीति में कभी ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए कि फिर आपको छिपना पड़े। आपको मीडिया के लोगों से भागना पड़े, हमेशा ऐसे बोल बोलिए, हार जीत लगी रहती है, वो कोई बात नहीं है। कभी हम जीते हैं, कभी हम हारे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन कभी ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए कि खुद से भागना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुनील सिंह साजन, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे बड़बोले बोल नहीं बोलने चाहिए क्योंकि राजनीति में हार जीत होती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो ढोल नगाड़ों की आवाज है वो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए एक संजीवनी साबित होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।